गाइस, स्टीव हफ ने जो सुशांत के ऊपर में सेशन बनाए, 3 वीडियोस जो उसने अपलोड किए अपने चैनल पे, वो सभी के सभी फेक हैं। इसके प्रूफ मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा और आपके जरिए ये बताना चाहूंगा कि सुशांत के सेशन की आत्मा की जो वीडियोस थी, सबकी सब फेक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा माइंड में कि उसने जो भी वीडियोस बनाए और जो भी वो क्लेम कर रहा है कि उसने सुशांत की आत्मा से बात किया, सुशांत के सोल से बात किया, सुशांत के स्पिरिट से बात किया, वो पूरी की पूरी 100% फेक है। मैं आज प्रूफ लाया हूं आपके सामने, ये प्रूफ देखिएगा, सुनिएगा क्लियरली, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा बात जो मैं कहना चाह रहा हूं इस वीडियो के थ्रू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस इस वीडियो को देखे और उनके दिमाग में जो ब्रेन वॉश किया गया है वीडियो के थ्रू, स्टीव हफ के वीडियो के थ्रू, वो क्लियर हो जाए। गाइस, स्टीव ने जो सुशांत के साथ सेशन किया है उसमें उसने सुशांत के एक इंटरव्यू से उनकी आवाज लेकर बेसिकली उसको एडिट करके दिखाया है। पूरा साउंड एडिटिंग का ही कमाल है। एडिटिंग के टाइम साउंड में एको डाल दिया जाता है, उससे वॉइस चेंज हो जाती है और ऐसा लगता है कि सच में सुशांत की आत्मा ही बात कर रही है। इस तरह से स्टीव इडियंस को पूरा पागल बना रहा है। अगर आपने स्टीव की इन वीडियो में ध्यान दिया हुआ है तो कहीं भी वीडियो में नहीं बताया कि सुशांत को कब मारा, किसने मारा और क्यों मारा। सुशांत की आत्मा ने कहीं नहीं बताया कि सुशांत ने सुसाइड किया या मर्डर किया। दूसरा प्रूफ कि यह बंदा पूरा का पूरा फ्रॉड है, इसकी जानकारी आईटीसी खुद अपनी वेबसाइट पे दे रही है। इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि स्टीव ने इससे पहले एक अमेरिकन रैपर लिल पीप, जिनकी मौत हो चुकी थी, उससे स्टीव ने बात की थी, लेकिन आईटीसी लिख रहा है कि स्टीव फ्रॉड है। स्टीव ने लिल पीप के इंटरव्यू से उनकी ही आवाज निकाल के एडिट करके वीडियो बनाया और साथ में लोगों को भी बेवकूफ बनाया। साथ ही साथ लिखा है कि स्टीव सेकेंड हैंड बॉक्सेस खरीद कर उसे वीडियो में इस्तेमाल करता है और क्लेम करता है कि ये बेस्ट बॉक्स है, आत्मा से बात करने का एक तरीका है, और धीरे धीरे इस बॉक्सेस को ऑनलाइन लोगों को बेचा और लोगों से काफी पैसे भी लेने लग गया और अपने बिजनेस का सेटअप कर लिया है। ऐसे ही स्टीव ऐसे ही बड़े स्टार्स जिनकी मौत हो चुकी है उनके ऊपर वीडियोस बनाता है और उनके आत्माओं से बात करके सेशन करने लगा जो कि फेक होते हैं। डर्टी स्कैम वेबसाइट ने आर्टिकल में स्टीव के बारे में बताया कि ये बंदा फेक है और ये फेक सामान बेचता है। गाइस, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, मैं स्टीव हफ से डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं स्टीव हफ को कि जितने भी सेशंस किए सुशांत के साथ, सुशांत के आत्मा के साथ, सुशांत के सोल के साथ, सुशांत के स्पिरिट के साथ, क्या उनके पास कोई प्रूफ है कि वो सोल जो आया था, जिसकी आवाज एम्पलीफायर से चल रही थी, जिसकी आवाज जो स्पीकर के थ्रू आ रही थी, जो क्लेम कर रहे हैं कि उनकी एनर्जी के थ्रू पास होके, वेवलेंथ के थ्रू पास होके वो आवाज बाहर आ रहा था आत्मा का, तो उनके पास क्या प्रूफ है? वो क्या प्रूफ कर सकते हैं 100% या जितने भी परसेंट प्रूफ कर सकते हैं कि वो वीडियो सच है? मैं चैलेंज करता हूं कि स्टीव हफ, वी वांट अ लाइव सेशन। अगर उनके पास प्रूफ है तो वो क्यों नहीं लाइव सेशन पे आए और फिर से लास्ट बार सुशांत की आत्मा को बुलाए? अगर स्टीव हफ ने 3 बार वीडियो बनाया, 3 सेशन किया और सुशांत की आत्मा वहीं भटक रही थी उसके घर के आसपास में, कि जब भी वीडियो बना रहे सुशांत के ऊपर और उसने बताया अपने वीडियोस में कि सुशांत आर यू हियर, That what you just saw was recorded last night. It's now the next morning. It's like 8:30 in the morning. Sushant, are you still with me? Are you still here? I'm walking और सुशांत आ जा रहे हैं, बोल रहे आई एम वॉकिंग इन। भाई, ये इंटरव्यू तो नहीं चल रहा ना कि सुशांत की आत्मा बोलेगा आई एम वॉकिंग इन, आई एम हियर, और स्टीव अब बड़े आराम से बोल रहा है कि रात को मैंने सेशन किया, अब सुबह के 8:30 बज गए, चलो मैं कॉफी पीता हूं, कॉफी के बिना तो दिन शुरुआत नहीं होगा। कॉफी का कप रखता है और कॉफी पीते हुए बोलता है कि सुशांत आर यू हियर। Bring that love energy, this energy into this room. I can feel it. I have to have my coffee in the morning. All right, Sushant. I feel your energy here in this room, and I felt that energy last night, and now it's familiar to me. You're in that light. You saw it last night. I'm born again.
मतलब ये तो मजाक नहीं चल रहा ना, ना ये इंटरव्यू का प्रोसेस चल रहा कि मैं वॉकिंग इन कर रहा हूं, मेरे को कॉफी पीना है। आत्मा से बात करते हुए कौन कॉफी पिएगा ये बताओ। मैं एक क्लेम कर सकता हूं, मैं एक प्रूफ के साथ बोल सकता हूं, आप वीडियो देखिए मेरा, उसमें प्रूफ है पूरा का पूरा कि कैसे ये बंदा सबके माइंड के साथ इमोशनली प्ले किया है। इंडियंस फैन फॉलोइंग जो सुशांत के, उनके साथ माइंड में प्ले करके उनको इमोशनली ऐसा मतलब ब्रेन वॉश किया वीडियो के थ्रू में, ये बता के कि सुशांत की आत्मा है, सुशांत का सोल है, सुशांत का स्पिरिट है और उसी की आवाज बोल रही है। मैं बता सकता हूं इस बंदे ने क्या किया। इस बंदे ने एम्पलीफायर लगाया, एम्पलीफायर जो स्पीकर है उसमें उसने क्या किया, सुशांत के जितने भी पहले इंटरव्यूज थे उसकी वॉइस को लेके डाला और उसको साउंड एडिटिंग करके, ट्यूनिंग करके, उसमें एको ऐड करके ऐसा वॉइस निकला है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये फैक्ट्स बोल रही है। सो गाइस, तो आप जो आप देखने जा रहे हैं उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि स्टीव हफ ने किस तरह से लिल पीप जो कि अमेरिकन सिंगर है उसकी वॉइस को इंटरव्यू से निकाला और किस तरह से उसको चेंज करके अपने वीडियो में मतलब दिखाया है, वीडियो के जरिए अपने मशीन के थ्रू उसका वॉइस चेंज करके दिखाया है। That like there's almost like a sober me inside of the fucked up me, just being like you're fine, bro. Like, and everyone else is freaking out around me. It's just unrepentant. Yeah, now free. Is there anything you'd like to say? You're fine, bro. Like, and everyone else is freaking. You're fine, bro. Like, and everyone else is freaking. You're fine, bro. Like, and everyone else is freaking. That's interesting because as if you missed that. तो गाइज, मेरे को तो बोलने का आपको जरूरत नहीं है, आपने क्लियरली सुना वीडियो में और क्लियरली देखा अपने आंखों से कि किस तरह से वो वॉइस लिल पीप का निकाल के एडिट करके, एको डाल के, साउंड एडिटिंग करके, अपने वीडियोस में एडिट करके ऐड करता है और फिर वीडियोस बना देता है ऐसे ताकि आपको लगे कि नहीं ये उसी की आत्मा बोल रही है। मैं कितने बार बोल रहा हूं कि ये आत्मा वात्मा नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सब लोग भाई ये मशीन खरीद लेते, ये डब्बा खरीद के खुद ही मतलब सीख के, ट्रेनिंग करके, कोर्स लेके आत्मा को बुला लेते, पूछ लेते किसने किया मर्डर, क्यों गए, कहाँ गए, कब मरे, सब क्लियरली हो जाता। तो ये सब पुलिस का जरूरत ही नहीं होता, ना डॉक्टर्स की जरूरत होती, कुछ नहीं मतलब कुछ जरूरत ही नहीं होता अगर इतना आसान होता तो। सो गाइस, जाते जाते तो मेरा यही बोलना है कि जो स्टीव हफ का वीडियो देख के और मेरा वीडियो देखने के बाद अगर वो स्टिल बिलीव करते हैं कि सुशांत की आत्मा ही थी तो उनको बड़ा सल्यूट। मतलब वो इतने फैक्ट्स देने के बाद, प्रूफ देने के बाद भी अगर वो बिलीव करते हैं कि स्टीव हफ की वीडियो है करेक्ट, तो भैया कुछ नहीं हो सकता। वी स्टिल वॉन्ट जस्टिस फॉर सुशांत एंड सीबीआई इंक्वायरी। वीडियो गाइस अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बड़ी बॉय कैन।